किसान संगठनों से मिलने के लिए। वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, मैं इतना ही कहूंगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय, मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, हमारे यहां पर 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद एमएसपी के अंतर्गत यूपीए के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की, मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ पे खर्च हुआ। यही नहीं, इनके समय बजट 27,662 करोड़ था, हमारे समय बजट 1,25,000 करोड़ एक साल का है, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपया एक साल का ज्यादा, 5 गुना ज्यादा बजट। ये अपने आप में दिखाता है कि हर क्षेत्र में, यहां तक कि खाद के ऊपर भी 3 लाख करोड़ की सब्सिडी सालाना मोदी सरकार देती है, किसानों को ऊपर बोझ नहीं पड़ता और एमएसपी के दाम भी बेहतर मिलते हैं, खरीद भी दुगनी से ज्यादा होती है। कुल मिलाकर किसान को संपन्न समृद्ध बनाने का काम मोदी सरकार की ओर से प्रयास हुए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमने ही सुनिश्चित किया है। दूसरी तरफ अगर पॉलिटिक्स को लेकर बात करें, कई दल जो हैं इसको लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे पंजाब गवर्नमेंट को ही देखा जाए, उनका कहना यह है कि हम सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हरियाणा की तरफ से जो है शेलिंग ना की जाए। इस तरीके की जो पॉलिटिक्स हर दल कर रहा है उसको किस तरीके से देखें? मैं इतना ही कहूंगा, इसको राज्यों के मुद्दे में ना लेके जाए। अगर मैं अब ये कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी एमएसपी लागू क्यों नहीं करता, भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे? और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहां पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी, आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। लोगों को दिक्कतें हो रही है जो